न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नवनिर्मित परीक्षा भवन का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा चिकित्सालय के विस्तार हेतु द्वितीय तल का शिलान्यास भी किया गया। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफा, सांसद ओम बिरला, यूआईटी चेयरमैन राम कुमार मेहता, कई विधायक मौजूद रहे। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी हमारे सामूहिक के माननीय विधायक। लोकार्पण समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्मान्य कालीचरण जी सराफ, इस कार्यक्रम सम्मान्य ओम जी बिरला, विधायक साथी भाई संदीप जी शर्मा, महापौर महेश जी विजय साहब, यूआईटी के चेयरमैन आर के मेहता जी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गिरीश जी वर्मा, अधीक्षक विजय वर्गी जी, हमारे भाजपा के शहर ओम जी बिरला, कोटा दक्षिण के विधायक सम्मान्य संदीप जी शर्मा, सांगरोध क्षेत्र के विधायक भाई हीरालाल जी, कोटा नगर निगम के महापौर सम्मान्य महेश विजय, साढ़े बारह का समय दिया और क्योंकि एक पीएचडी के उद्घाटन में हमें वहाँ विलम्ब हो गया, इसलिए हम आप लोगों के बीच में देर से आए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस द्वितीय दल का निर्माण कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं, 1931 लेवल द्वितीय दल बनेगा और जिसमें सर्जरी, गायनी, मेडिसिन, नेत्र, नाक, कान, गला के वार्ड बनेंगे, साथ ही फाइन ट्यूब वार्ड की प्रथम स्थापना के साथ चिकित्सकों के बैठने के कक्ष और दो बड़े संगार रूम स्नातक एपीजी छात्रों को पढ़ने के लिए बनेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा और इसका फायदा पूरा भी जनता को मिलेगा। और जो 250 छात्रों को बैठने के लिए जो परीक्षा हाल का या लोकार्पण हुआ है, निश्चित रूप से जो हमारा प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों की जगह 250 सीट हो, इसमें निश्चित रूप से हमें परीक्षा केंद्रों से फायदा मिलेगा।